हाय रीज मेष राशि कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं पंद्रह दिन की पंद्रह नवंबर से तीस नवंबर आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है आपकी लव लाइफ आपका करियर आपकी हेल्थ स्पिरिचुअलिटी सिंगल्स के लिए भी मैसेजेस निकलेंगे और आपके लिए इन पंद्रह दिनों के लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं हम सब देखने वाले हैं इससे पहले कि मैं रीडिंग को स्टार्ट करूं मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि थोड़ा सा टाइम लीजिएगा और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको आने वाले जो फिफ्टीन डेज हैं उनके लिए मैसेजेस दे पाएँ गाइडेंस दे पाएँ ठीक है इस तरीके से अपनी एनर्जीज़ देने से बहुत फ़र्क पड़ता है गाइस आपको राइट मैसेजेस बिल्कुल मिलेंगे जर्नल रीडिंग में भी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय माँ काली जय गुरु जी जय जी प्लीज़ भोले बाबा खाए कीजिए अपने बच्चों को क्या आ रहा है इन पंद्रह दिनों में एक्वेरियस कुंभ राशि सॉरी oh, मेष राशि वालों के लिए एरीज मेष राशि वालों के लिए आई एम सॉरी मैंने एक्वेरियस बोला ओके okay. एरीज मेष राशि एरीज मेष राशि पंद्रह नवम्बर से तीस नवंबर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री एरीज मेष राशि वालों के लिए क्या आ रहा है ये पंद्रह दिन क्या ले करके आ रहा है थैंक यू सो मच लक इज़ ऑन योर साइट माई डियर लक इज ऑन योर साइट ओके कम्युनिकेशन इज स्किल क्या रहा है पंद्रह दिनों में मेष राशि वालों के लिए अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन ओके माई डियर एरी सबसे पहले जो मुझे मैसेज रिसीव हुआ आप लोगों के लिए आप जो करना चाहते हो और जो कर रहे हो ठीक है आपके माइंड में जो भी चीज़ है उस तरफ आगे बढ़ते रहिए अगर कुछ परेशानियाँ कुछ प्रॉब्लम्स कुछ ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ, राइट नाउ आ रहे हैं या आपको ऐसा लग रहा है कुछ माइंड में कुछ आ, आपके चल रहा है कि मैं इस चीज़ को लेकर के करूँ या नहीं करूँ इस तरफ आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ या फिर किसी काम को लेकर के कुछ आप कर रहे हो और आ, आपको उसके रिजल्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि उसे कंटिन्यू कीजिए उस तरफ आगे बढ़ते रहिए ठीक है, है आपको बिल्कुल भी अपनी एनर्जीज़ को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है इस महीने क्योंकि इस महीने जो है आ, किस्मत आपका साथ दे रही है डिवाइन आपकी यहाँ पर मदद कर रहे हैं और जो भी आप करना चाहते हो सिर्फ़ उस पर फोकस रहिए अपनी एनर्जीज़ को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए आसपास क्या चल रहा है उस बेसिस पर आ, अपने गोल्स को छोड़िए मत राइट right? मतलब उससे भटकिए मत डिस्ट्रैक्ट मत होइए अपने माइंड को भटकाव में मत आने दीजिए क्योंकि अंत में वो एक विनिंग आउटकम आपका रहेगा ही रहेगा वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स उसके मिलेंगे ही मिलेंगे जो भी हार्डवर्क कर रहे हो जिस भी एरिया से रिलेटेड चाहे वो आपका वर्क है करियर है फाइनेंसेस है लव रिलेशनशिप्स हेल्थ जिस भी रिगार्डिंग माय डियर ठीक है जिस भी चीज़ को लेकर के आप जो भी कर्म कर रहे हो उस तरफ बस आगे बढ़ते रहिए ये मंथ है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है चीज़ें आपको आपके अकॉर्डिंगली बन रही हैं काम हो रहा है आपको उसके रिजल्ट्स मिलने वाले हैं बस जिसे कहते हैं ना कि आप उस पीक पर पहुंच गए कुछ लोगों को तो वो रिजल्ट मिलते हुए भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इन इन पंद्रह दिनों में लेकिन आपको बोला जा रहा है भटकाव में मत मताइएगा इनकेस अगर आपका माइंड ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट हो चुका है या आप अपने पथ से भटक चुके हो तो आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं कि दोबारा उस पर लग जाएं ठीक है अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट ना होने दे और ये जो मंथ है आ, कुछ भी नई शुरुआत करने के लिए आपके लिए बहुत ही बढ़िया समय है यहाँ पर कुछ भी नया आप शुरू करना चाहते हैं चाहे कोई रोमांटिक साइकिल कोई लव रिलेशनशिप है आपका या फिर कोई भी शुभ कार्य अगर आप करना चाहते हैं तो ये मंथ आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है ठीक है उस तरफ आगे बढ़ते रहिए एक न्यू स्टार्ट में आप लोगों के लिए देख रही हूँ ये कोई आ, 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 खास करके ये रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है ठीक है अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल हो सकते हैं हालांकि डिटेल्स रीडिंग निकलेगी लेकिन जो मैं एनर्जी स्पीक कर रही हूँ वो मैं अभी आपको बता रही हूँ और जो लोग पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं किसी भी तरह की पार्टनरशिप मुझे यहाँ पर बहुत ही सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है इस महीने तो अगर किसी भी तरह की पार्टनरशिप पर अगर आप काम कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं चाहे वो बिज़नेस है मैरिज है जो भी चीज़ है उस तरफ आगे बढ़िए ये मंथ आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है इस वक्त में ठीक है हुँ. ओके आई डोंट नो ये ये ना कार्ड अगेन आया है मुझे आ, ये दोबारा से अट्रैक्ट कर रहा है कम्युनिकेशन इसकी पहले बॉटम ऑफ द डेक था जब मैं फर्स्ट कार्ड निकाला था और अभी भी क्या है यू एंड यू लव्ड वंस आर सेफ मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको किसी को अपने दिल की बात कहने की ज़रूरत है एरीज दिल की आ, अभी रोमांटिक वे में हो सकता है या फिर आपके घर वाले हो सकते हैं कि कोई बात है जो आपके अंदर है कोई चीज़ है जो आप उनको बताना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना चाहते हैं आपके अंदर है अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी फ़ैमिली या आपके पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है वो पूरी तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे आपको बस खुल करके बात करने की यहाँ पर ज़रूरत है येस uh, yes, बिल्कुल ओके okay. देख लेते हैं आ, आपके लिए आपकी एनर्जीज़ क्या रहेंगी uh, इस मंथ सॉरी uh, इस मंथ कह रही हूँ इन पंद्रह दिनों में प्लीज़ भोले बाबा प्लीज़ बताइए एक्वेरियस में श्राश ओ, मैं बार बार एक्वेरियस क्यों बोल रही हूँ आई रियली डोंट नो वाई एक्वेरियस एरीज मेष राशि हो सकता है आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो माय डियर या फिर कोई एक्वेरियस यहाँ पर देख रहे हैं आपका सनमून हो सकता है राइजिंग हो सकता है ठीक है आई रियली डोंट नो हम्म ओके ओके माय डियर एरीज मेष राशि भोले बाबा प्लीज़ बताएं आपके बच्चे जितने भी एरीज मेष राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ गाइड कीजिए इन पंद्रह दिनों में किस एनर्जीज़ में रहने वाले हैं एरीज मेष राशि वाले किस एनर्जीज़ में रहने वाले हैं प्लीज़ अपने बच्चों को गाइड कीजिए थैंक यू सो मच द थिंकिंग मैन ओके माई डियर ओ सिक्स चक्रा थर्ड आई योर इंट्यूशन योर इंट्यूशन पावर कम्युनिटी मुझे कुछ ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है कि अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप है जो इस महीने सॉरी जो कोई रिलेशनशिप आप रिलेशन आपकी लाइफ में इस महीने बंदता है देखिए अभी वो रिलेशनशिप मैं सिर्फ लव लाइफ़ की बात नहीं कर रही हूँ वो आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है ठीक है आई मीन कोई नया फ्रेंड बनना कोई नई दोस्त बनना आ, या कोई लविंग पार्टनर कोई आपकी लाइफ में एंट्री होती है किसी न्यू पार्टनर की या ऑलरेडी आप किसी पार्टनर से के साथ डील कर रहे हो और वो रिश्ता कमिटेड uh, हो जाता है आपका आगे बढ़ जाता है तो मुझे ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपका सॉल कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है इवन जो लोग यहाँ पर uh, मैं जिनकी फ्रेंडशिप की भी बात कर रही हूँ कोई नई न्यू फ्रेंडशिप अगर आपकी लाइफ में आ रही है इस इन पंद्रह दिनों में uh, तो वो भी uh, आपकी सॉल फैमिली का ही हिस्सा है ओके okay? और आपकी सॉल की ग्रोथ में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है हम्म बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर ना विक्ट्री की भी एनर्जीज है ओ गॉड यस ये ये पार्टनरशिप जो है ना आपको किसी न किसी तरह की ब्लॉकेज से किसी न किसी तरह के स्टक्ड सर्कमस्टेंसेस से स्टक्ट सिचुएशन से बाहर निकालने में बहुत मदद करेगी अभी वो आपका पार्टनर हो सकता है ठीक है कोई दोस्त हो सकता है कोई भी कोई भी ठीक है यस yes. ओके okay. तो ये जो पंद्रह दिन है एरीज आप लोग बहुत ही गहन आ, एनर्जीज में रहने वाले हो बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जीज में रहने वाले हो बहुत ही गुड एनर्जीज, एनर्जीज में रहने वाले हो कहने का मतलब कि Uh, हर चीज़ के बारे में ना बहुत डीपली सोचोगे बहुत ही अलग वे में सोचोगे मतलब नॉर्मली जो आप चीज़ों को देखते आए हो अभी तक आप उस तरीके से सोचने वाले नहीं हो, ओके uh, बहुत ही वाइज पर्सनालिटी में आप टैप इन करने वाले हो कहने का ये मतलब है कि आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी मे uh, भी आप लोग कुछ यहाँ तो स्पिरिचुअल कुछ कर रहे हैं कुछ ऐसा प्रैक्टिसेस कर रहे हो मेडि मेडिटेशन uh, करना चैंटिंग्स करना नाम जप करना समथिंग कुछ ऐसा ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप हायर एनर्जी से कनेक्टेड हो रहे हो जिस वजह से कि आपका जो चैनलिंग है ना इस इस पंद्रह दिन में बहुत एक्टिव हो रहा है ठीक है आपकी चैनलिंग बहुत एक्टिवेट हो रही है आपका क्राउन चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है आपके आई एक्टिवेट हो रही है, है यहाँ पर जिस वजह से कि आप चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल वे में समझने की कोशिश करोगे बहुत ज़्यादा टॉकेटिव एनर्जीज नहीं है बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करने वाले हो कोई भी चीज़ होती है तो उसको लेकर के आप बहुत जिसे कहते हैं ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा करोगे बहुत ऑब्जर्व करोगे आप ऑब्जर्वेशन क्वालिटीज़ में आप पहुंच रहे हो इन पंद्रह दिनों में ठीक है कहने का मतलब जब तक आप किसी पर्सन को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर लेते तब तक आप उसके बारे में अपने कोई थॉट्स नहीं ब्याह करोगे राइट ऐसी एनर्जीज मुझे यहां पर मिल रही है ओके okay. यस yes, बिल्कुल जिस वजह से कि आपको किसी सिचुएशन या किसी पर्सन को लेकर के बहुत क्लैरिटी भी यहाँ पर मिलेगी ठीक है बेसिकली आपकी इंट्यूटिव साइड जहाँ पे बहुत ओपन होने वाली है और आप अपनी इंट्यूटिव साइड से बहुत कनेक्टेड होने वाले हो और बहुत ही स्पिरिचुअल काइंड ऑफ एनर्जीज़ है कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप लोग कर रहे हो मेडिटेशन uh, जैसे मैं बोल रही हूँ चैंटिंग्स करना योगा uh, योगा या योगा कह सकते हैं आप या फिर चक्रास पर वर्क करना समथिंग मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है इवन कुछ लोग मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आ, ए, कुछ एरीज़ अपने थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए पानी का यूज़ कर रहे हैं रियली डोंट नो वाई ये मुझे मैसेज मिल रहा है ओके okay? पानी का यूज़ जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हो अप, 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 जैसे कि वाटर में एफेमेशंस डाल करके आप उसे ड्रिंक कर रहे हो जिस वजह से कि आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ओके इसी वजह से आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ओके okay. आप अपनी इनर विजडम से कनेक्ट हो रहे हो आपकी इनर विजडम ओपन हो रही है ओके वेरी नाइस वेरी नाइस लेट्स सी मोर मैं थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करना चाहूँगी चीज़ों को ओके थैंक यू भोले बाबा थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग गर्ल्स थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू एरीज मेष राशि ओके सिंगल्स पेज ऑफ पेंटिकल क्या बात है ये देख रहे हैं आप टेन ऑफ सोट्स रिवर्स्ड एंड एस ऑफ कप्स ओके लेट्स सी रिलेशनशिप में जो है उनके लिए क्या मैसेज है इन पंद्रह दिनों के लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं एरीज मेष राशि वाले ओ oh, डिविल तभी वहाँ पे एस ऑफ सॉरी टेन ऑफ सोर्ट्स जो था वो रिवर्स भी था ओके लेट्स सी मोर कैसा रहेगा एरीज राशि वालों का वाह सिक्स ऑफ वॉन्स ग्रेट थोड़ा सा ना इन्हें शिफ्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस की थोड़ी कमी है अभी पर मैं ये भी देखना चाहती हूँ ओके गाइस प्लीज थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिएगा मेरे साथ ओके okay? क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा इशू है अभी <coughs> hmm. Your health, Four फॉर Swords Spirituality. Wow, Queen of Wands uh. Ten of Pentacles reversed. देखिये माई डियर सिंगल्स आपके लिए यहाँ पर मैं कोई एक ऐसे ऑफर आते हुए देख रही हूँ आपकी तरफ लेकिन ये कोई मैरिज प्रपोज़ल हो सकता है या कोई एग्जैक्टली exactly कोई पर्सन हो सकता है आपकी लव लाइफ़ की शुरुआत हो सकती है लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है कि आप अभी पूरी तरीके से हील नहीं हुए हैं पास्ट की प्रॉब चीज़ों से ठीक है अभी भी चीज़ें आपकी तरफ मैं कहूँगी ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं मतलब आना चाह रहे हैं लेकिन आप पूरी तरीके से तैयार नहीं हो उनको लेने के लिए उनको ग्रैप करने के लिए राइट आपके अंदर अभी भी डाउट्स हैं बहुत सारे डाउट्स हैं क्योंकि नेगेटिविटी ना बहुत अच्छे से घेरा डाल रखा है आपके ऊपर पूरी एनर्जीज़ को आपकी ब्लॉक कर रखा हुआ है अभी और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है आपको अपने थाट्स पर काम करने की ज़रूरत है जो भी पास्ट की चीज़ें रही हैं अगर कोई एक्स था आपका या कि या फिर कोई एक्सपीरियंस रहा है या फिर आपके थॉट्स वैसे हो गए हैं कि आपकी लाइफ में अपने आप को देखने का नज़रिया आपका बहुत ख़राब है या कोई भी चीज़ है जो चीज़ ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है आपके थॉट बेसिकली थॉट्स ठीक है वो उस न्यू अपॉर्चुनिटी को या फिर वो न्यू ऑफर को आने से ना ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा ना हीलिंग पर फोकस कीजिए माय डियर अपने थॉट्स पर फोकस कीजिए कि आपके थॉट्स कैसे हो रहे हैं ठीक है आप क्या सोच रहे हो क्या आप पास्ट के बारे में ही सोच रहे हो क्या आप ऐसा सोच रहे हो कि रिलेशनशिप में जाने से जो है आप स्टक हो जाओगे या फंस जाओगे या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी या फिर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ घर वालों का प्रेशर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर यहाँ पर है ठीक है जिस वजह से कि आप पूरी तरीके से रेडी नहीं हो पा रहे हो लेकिन एक बात बताना चाहूँगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी यही एनर्जीज दी है कि कुछ है कोई पर्सन है कोई पार्टनरशिप जो इस मन इन पंद्रह दिनों में आपकी तरफ आ रही है अगर इन पंद्रह दिनों में आ रही है तो वो आपके लिए बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पर मैं वो एक सॉलमेट कनेक्शन आपका देख रही हूँ आपकी सॉल फैमिली की तरफ से वो आते हुए देख रही हूँ ठीक है और चीज़ें आगे ग्रो भी कर सकती हैं लेकिन सबसे पहले वो जो ब्लॉकेज है ना उसको आपको निकालना होगा ठीक है वो थाट्स को वो जो नेगेटिव थाट्स आपको कंट्रोल किए हुए हैं ना उनको वहाँ से निकालना होगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके डेस्टिनी में आड़े आ रहे हैं ठीक है वो आपको आगे बढ़ने से वो रोक रहे हैं या आपकी लाइफ में उन ब्लैसिंग्स को आने से ना वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं देख रहे हैं यहाँ पर सिक्स ऑफ वॉन्च और यहाँ पर डिविल की एनर्जीज है और यहाँ पर भी आपको जो बोला जा रहा है विद द फोर ऑफ फोर एंड स्ट्रेंथ कार्ड की माई डियर प्लीज़ अपने पर काम कीजिए अपने पर काम करने की जरूरत है कि आप किन किन चीज़ों के को लेकर के बहुत ज़्यादा वर्ड हैं क्या बिलीफ सिस्टम्स आपने बना रखे हैं अपने आप को लेकर के अपने मैरिज के रिगार्डिंग जो लोग सिंगल हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ क्योंकि यही जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स हैं यही जो आपकी वरीज हैं यही आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं और अगर कोई पास्ट का कोई कनेक्शन रहा है जो आपका हेल्दी नहीं था जो कोई टॉक्सिक था तो वो चीज़ें ब्लॉकेज क्रिएट कर रही हैं आई थिंक लास्ट टाइम पे भी ना मैंने आपको यही मैसेज दिया था जो मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है बा आई डोंट नो रियली अगर दिया था तो अभी आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है एरीज ठीक है और जैसे ही आप इस चीज़ पर काम करते हो ना आपके लिए वो ब्लॉकेज रिमूव होगा ओके okay? क्योंकि आप खुद भी पूरी तरीके से जिसे कहते हैं ना पूरी तरीके से रेडी तो नहीं हो ओके okay? थोड़ा डाउट्स हैं आपको वो ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं आपके ये जो uh, नेगेटिव एक्सपीरियंस है कुछ लोगों का कुछ लोगों के नेगेटिव थॉट्स हैं कुछ लोगों की वरीज हैं जो भी बिलीव सिस्टम्स रहे हैं आपके वो ही ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं और वही आपको डाउट्स में डाल डाल रहे हैं कि क्या आप ये कर सकते हो क्या आप ये कर पाओगे कुछ लोगों के लिए तो मैं यहाँ पर उनकी फ्रीडम को खोते हुए देख रही हूँ कि आप अपनी फ्रीडम को खोना नहीं चाहते हो आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मैं बंद जाऊंगा या बंद जाऊंगी ऐसी ऊर्जा भी मुझे यहाँ पर मिल रही है तो माय डियर अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ uh, में चीज़ें आगे ग्रो करें तो ऐसे थॉट पैटर्न को रिलीज़ कीजिए और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है ना जो मैं कह रही हूँ कि घर वालों का प्रभाव बहुत ज़्यादा है घर वालों का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि भाई अभी एज हो गई है शादी कर लो ठीक है लेकिन आप रेडी नहीं हो इस मूवमेंट इस पर ठीक है तो प्लीज़ अगर आप लोगों का मैं ये तो आपके पर्सनल देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगी कि आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए ये आपका खुद का पर्सनल जिसे कहते हैं डिसीज़न रहेगा लेकिन येस इसके लिए आपको बोला जा रहा है ये जो भी आपने नेगेटिव थाट्स क्रिएट uh, कर रखे हैं ये जो भी चीज़ें आपको ब्लॉक आपकी लाइफ में ब्लॉक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है ना उन्हें हील करने की ज़रूरत है ओके okay? अगर इसके लिए अगर आप मुझसे पूछोगे कि हमें क्या करने की ज़रूरत है तो मैं आपको बोलूँगी अगेन वही कि पॉजिटिव एक तो एफ्रीमेशन देना वाटर एफ्रीमेशंस भी आपके लिए ठीक रहेंगी जो मैंने आपको बताया है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो मैंने अपने uh, Uh, उसमें कम्युनिटी में भी डाला है लेकिन कोई भी चीज़ करने से पहले विश्वास होना बहुत ज़रूरी है अगर आप ट्राई करने के लिए कर रहे हो तो बिल्कुल मत कीजिएगा कि लेट्स ट्राई ओके वो चीज़ वर्क नहीं करेगी क्योंकि आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं कर सकते मैजिक को ट्राई नहीं कर सकते ठीक है वो काम नहीं करेगा मैजिक सिर्फ विश्वास पर काम करता है विश्वास है तो करिए नहीं है तो नहीं कीजिए ठीक है और मेडिटेशन कीजिए और सबसे पहले रात को सोने से पहले जो है ना प्रार्थना ज़रूर कीजिएगा ठीक है जो भी आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो किसी तरह की वरीज हैं जो भी है उन्हें रिलीज़ भी करना चाहते हो आपसे कुछ नहीं बन पाता हीलिंग नहीं हो पाती कोई बात नहीं बस आप प्रार्थना कीजिए जिन भी डिवाइन शक्ति से आप बिलीव करते हो आपको बहुत आपको उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे सच्चे दिल से करना प्रार्थना ओके चलिए ओके देखिए आपकी तरफ ऑफर आ रहा है ठीक है लेकिन आप तैयार नहीं हो उसको लेने के लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है आप रेडी नहीं हो ठीक है घर वाले प्रेशराइज़ कर रहे हैं आपको लेकिन आप रेडी नहीं हो अब ये आपको देखना है आपको क्या करने की ज़रूरत है क्योंकि मैं चीज़ें बनते हुए आपके लिए देख रही हूँ लेकिन आपके नेगेटिव थाट्स जो है वो क्रिएट हो रहे हैं वो आगे आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं राइट अब बात कर लेते हैं जो लोग रिलेशनशिप में हैं ओके माई डियर आपके लिए तो डिबुल का कार्ड आ गया डेविल का कार्ड देखिए ये कार्ड पता है मुझे क्या कह रहा है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में ना हम्म कुछ आउटसाइड फोर्सेस बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है कहने का मतलब कोई देखिए या तो काम इन्वॉल्व हो रहा है आपके रिलेशनशिप के बीच में आड़े आ रहा है क्योंकि मैं आ, आपके रिलेशनशिप को रिलेशनशिप के रिगार्डिंग अगर देखूं तो आप थोड़ा सा स्टग्ड फील करोगे ठीक है Uh, जो लोग मैरिड है ऑलरेडी रिलेशनशिप में है मैं उनकी बात कर रही हूँ ठीक है um, कोई थर्ड सिचुएशन या कोई थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर सकती है आप लोगों के रिलेशनशिप को थोड़ा प्रॉब्लम में डाल सकती है अभी वो काम हो सकता है आपका करियर हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा करियर पर फोकस हो रहे हो या आपके पार्टनर करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो रहे हैं या फिर कोई फ़ैमिली मेम्बर कोई फ्रेंड कोई एग्जैक्टली exactly कोई पर्सन राइट right? तो उन लोगों का मैं आपके रिलेशनशिप में आ, दखल अंदाजी होते हुए देख रही हूँ जिस वजह से कि आपका रिलेशनशिप ये जो पंद्रह दिन है ना वो टॉक्सिक रह सकता है समझ रहे हो आप ये पंद्रह दिन थोड़ा टॉक्सिक रह सकता है अब अब आप लोग घबरा गए होंगे कि ओ हो हो बड़ी दिक्कत हो गई है तो लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि ये जो टॉक्सिसिटी भी आ रही है ना अब आपने ये तो सुन लिया कि टॉक्सिक रह सकता है लेकिन ये सिर्फ फिफ्टीन डेज़ की बात है राइट और इसके बाद का जो कार्ड है बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है वो है सिक्स ऑफ वॉन्ट्स अगर इस वक्त में आपने चीज़ों को थोड़ा सा अ, इग्नोर किया ओके और इस समय थोड़ा सा समझदारी से हैंडल करा आपने रिलेशनशिप को और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी किसी भी तरीके से किसी बाहर वाले की इन्फ्लुएंस में आप नहीं आए किसी की बातों में आप नहीं आए अपने रिलेशनशिप को लेकर के अपने पार्टनर को लेकर के और कोई आपने अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा नहीं करा ठीक है चाहे म्यूटेड एनर्जीज में रहें आप लोग ठीक है ज़्यादा बातचीत नहीं करी बस एक दूसरे पर भड़कना नहीं है आपको एक दूसरे पर एलिगेशंस नहीं डालनी है एक दूसरे को पॉइंट आउट नहीं करना है एक दूसरे पर मतलब बुरा भला नहीं बोलना है किसी भी थर्ड सिचुएशन को लेकर के ठीक है क्योंकि यहाँ पर ऑनेस्टली बोलूँ मैं तो देखिए जो मुझे यहाँ पर राइट ना मुझे फीलिंग हो रही है कि आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पर सही हो ठीक है लेकिन समय की स्थिति थोड़ी ऐसी आ रही है कि आप लोग एक दूसरे को ब्लेम कर सकते हो सिचुएशन ऐसी हो सकती है लेकिन इस वक्त अगर आपने समझदारी से चीज़ों को हैंडल कर लिया ना समझ रहे हैं आप तो ये चीज़ें निकल जाएंगी और आपका रिलेशनशिप फिर से हील हो जाएगा फिर से ठीक हो जाएगा ठीक है बस ये फ़िफ्टीन डेज आपको संभल करके निकालने की ज़रूरत है बस फिफ्टीन डेज संभल करके निकाल दीजिए किसी तरीके से अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए अगर कुछ बोला भी जा रहा है कहा भी जा रहा है तो चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाइए मत इस इस मोमेंट पर अदरवाइज़ आप इस रिलेशनशिप से फिर इस रिलेशनशिप में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी और उसके इफ़ेक्ट्स आपको दूर तक देखने को मिलेंगे क्योंकि कहते हैं ना कि जब वो बातें कही जाती हैं जब वो चीजें हो जाती हैं तो वो हमारे अंदर घर कर जाती हैं। जिन्हें फिर हील करने के लिए बैठना पड़ता है और वो हील नहीं होती हैं राइट कि वो कहा था वो फिर चाहे सालों साल निकल जाए फिर वो चीजें आती हैं अरे वो कहा था उस समय वो हुआ था उस समय मुझे ऐसा बोला गया था तो इस समय थोड़ा सा सो uh, so, uh, संभल करके चलने की ज़रूरत है हो सके तो मैं कहूँगी अगर चीज़ें आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बिगड़ रही है तो उनमें टैप इन मत कीजिए थोड़ा उस समय के लिए ना सरेंडर कर दो अपनी तरफ से कोई बड़े बड़े डिसीजंस मत बनाओ अपनी तरफ से कोई बड़े बड़े एक्शंस मत लो रिलेशनशिप के रिगार्डिंग इस टाइम पर ओके जो लोग रिलेशनशिप में हैं और मैरिड हैं थोड़ा सा संभल करके चलने की ज़रूरत है दैट्स इट ठीक है किसी भी चीज़ के लिए ना अपने पार्टनर को लेकर के ज़बरदस्ती मत करना ये बात मैं ऐड करना भूल गई रीज ठीक है किसी भी चीज़ के लिए अपने पार्टनर को ज़बरदस्ती मत कीजिएगा इस समय में अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो चीज़ें और बिगड़ेंगी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपसे मिले अगर आप ऑनरे ऑनरी रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिएगा क्योंकि वो फोर्स करने के चक्कर में ही लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ठीक है और अपने रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन को ऐड बिल्कुल मत कीजिएगा कि कोई आपकी सुलह करा दे या कोई आपकी बात मनवा ले ठीक है कहने का मतलब आप अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं लेकिन वो आपकी बात नहीं मान रहे हैं आपने किसी थर्ड पर्सन को बोला तो सिचुएशन और बुरी हो जाएगी तो ऐसा काम भी आपको बिल्कुल नहीं करना है ओके okay? और येस बिल्कुल और जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी मैं यही बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से ना लगाएं इस टाइम पर जितनी एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना उतनी ही वो फुलफ़िल अगर नहीं हुई तो फिर वो चीज़ें नेगेटिवली हो जाएंगी तो इस वक्त संभल करके चलने की ज़रूरत है ओके अब बात कर लेते हैं आपके करियर की करियर वाइज तो देखिए यहाँ पर कुछ तो आप अचीव कर रहे हो कोई गोल आपने जो बनाया था कोई प्रोजेक्ट अगर आपने किया था तो वो आपका वो, मतलब उसको जिसे कहते हैं कि सराहा जा रहा है कुछ मतलब वो अचीवमेंट्स आपको मिल रही हैं अभी आप देखिए अगर आपने किसी चीज़ को लेकर के कोई शुरुआत करी थी कोई काम किया था तो उसका रिज़ल्ट आपको यहाँ पर मिलने वाला है जो भी एफ़र्ट्स आपने डालने डाले थे उसके ब्यूटिफुल रिज़ल्ट आपको मिलेंगे कहने का मतलब वो जो Uh, क्या बोलते हैं उसे वो एक्नॉलेजमेंट आपके लिए आ रही है ठीक है आपको एक्नॉलेज किया जा रहा है ठीक है हम्म hmm. जो लोग यहाँ पर जिन जिन लोगों का काम कुछ ऐसा है कि आप लोग पब्लिक की आई में आते हो मतलब कहने का मतलब आपका कम्युनिकेशन हो या आपका कोई काम ऐसा हो आ, या फिर आप कोई सोशल मीडिया पर हो तो यहाँ पर इन पंद्रह दिनों में मैं आपके फॉलोवर्स बढ़ते हुए दिखाई दे दि, दिख रहे हैं मुझे आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं वो क्यों बढ़ रहे हैं वो यूँ ही नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है आप अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ रहे हो ठीक है और जो काम आपको करना है उसे कर भी रहे हो जो आइडियाज आपको आ रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो जिस वजह से कि आपके फॉलोवर्स बहुत बढ़ रहे हैं इवन जहां पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर भी मैं आपकी फैन फॉलोविंग बढ़ती हुई देख रही हूँ कि आपके काम को सराह रहे हैं आपको पसंद किया जा रहा है जिस वजह से कि आपकी इंक्रीमेंट भी मैं देख रही हूँ ठीक है सैलरी इंक्रीज होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ या तो आपकी सैलरी बढ़ सकती है या इवन आपका कहीं ट्रांसफ़र भी हो सकता है ट्रांसफ़र इन अ गुड वे एक हायर पोजीशन पे ला करके आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है या फिर उसी कंपनी में ही वहीं पर ही आपका जिसे कहते हैं कि पद प्रतिष्ठा बोलते हैं आई थिंक उसको ठीक है ना वो आगे ग्रोथ ग्रोथ में आपके लिए यहाँ पर देख रही हूँ प्रोग्रेस आपकी देख रही हूँ जिस वजह से कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते रहिए है, एरीज ये वक्त जो है मैंने बोला ना कि लक इज़ ऑन योर साइड तो लक आपका साथ दे रहा है ये खास कल की मुझे आ, ये आपके करियर वाइज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दिया था ठीक है कि करियर को लेकर के अच्छा एक चीज़ और बोलना चाहूँगी अपनी खुशियों को ना सेलिब्रेट कीजिए अपनी जो भी आपको खुशियाँ इस इस टाइम पर मिल रही है आपके करियर वाइज भी Uh, जो भी खुशी आपको मिल रही है उसे सेलिब्रेट कीजिए बस लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा गायरीज़ बस आपको ये कहना चाहूँगी लोगों में ना अभी देखिए वो आपके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं बाहर वाले भी आ जाते हैं आपके फैमिली भी आ जाती है सब आ जाते हैं अब आप, आप खुद समझ रहे हैं क्योंकि कुछ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी अचीवमेंट्स है ना कुछ आपके आस के क्लोज्ड वन ही वन भी हैं जो बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है आई रियली डोंट नो कि क्यों कुछ थोड़ा अनहैप्पीनेस सी क्यों आ रही है यहाँ पर ओके okay? uh, तो मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कुछ लोगों से मत रखिएगा मतलब uh, जितना हो सके खुद में बिजी रहें खुद में संतुष्ट रहें यही आपको ये पंद्रह दिन बता रहे हैं हेल्थ को लेकर के अगर बात की जाए ठीक है तो मैं कहना चाहूँगी देखिए प्रॉपर रेस्ट यहाँ पर मैं आपको फिजिकली भी बोलूँगी मेंटली भी बोलूँगी रेस की ये पंद्रह दिन आपको प्रॉपर रेस्ट लेने की ज़रूरत है फिजिकली तो देखिए अच्छे से नींद लेना जब आपको समय मिले भैया सो जाइए लेट जाइए मतलब आराम कीजिए अपने आप को रेस्ट अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए ठीक है ये आपके लिए इन पंद्रह दिनों में बहुत ज़रूरी रहेगा मेंटल रेस्ट की आ, मेंटली बो बात की जाए तो मेडिटेशन करना आपके लिए अच्छा रहेगा थोड़ी देर आइस बंद करके लेट ही जाए आपको नहीं सोना है ना सोए आइज़ क्लोज करके लेट जाए या बैठ जाए आ, कहीं पर भी आ, अगर लेटना संभव नहीं है तो ऑफ़िस में ही अपने ऑफिस में ही हैं थोड़ी देर आइज़ अपनी क्लोज़ कीजिए ओम मन मन ही मन या फिर धीरे से आप ओम की चैंटिंग भी कर सकते हो वो आपके माइंड को बहुत रिलैक्स कर देगा क्योंकि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि फ़िज़िकली और मेंटली थोड़ा सा यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस इन पंद्रह दिनों में ओके क्योंकि ये मंथ ना आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा ठीक है आपकी एनर्जीज भी ऐसी ही आ रही है तो दिमाग भी बहुत ज़्यादा चलेगा और आपके मूड स्विंग्स भी बहुत रहने वाले हैं देखिए अच्छे पल भी है तो थोड़े अप एंड डाउन सब चलेगा जिसे कहते हैं ना फेजेस मून के फेजेस कैसे होते हैं तो वो फेजेस को दिखा रहा है यहाँ पे मून का ऑलरेडी कार्ड आया हुआ है ठीक है तो कहने का मतलब ये वक्त तो कुछ फेजेस की तरह मून फेजेस की तरह रहेगा कि आपकी एनर्जीज़ आपके आपका माइंडसेट जो है फ़्लक्चुएट होता रहेगा ठीक है तो थोड़ा सा यहाँ पर अपनी मेंटल और अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखिए ओके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए ओवर थिंक मत कीजिएगा ठीक है किसी भी तरह का ओवर थिंकिंग आपको नहीं करना है खास करके नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है स्ट्रेस तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है अगर आ रहा है तो प्लीज़ रिलैक्स कीजिए मेडिटेट कीजिए कोशिश तो कीजिए एटलीस्ट कोशिश करने वालों की ही जीत होती है ठीक है कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा करोगे तो करने से ही होगा हमारे गुरु जी बोलते थे करने से ही होगा तो करिए ओके ना आपकी स्पिरिचुअलिटी देखिए स्पिरिचुअली तो ना मुझे आप लोग आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो आपकी हायर सेल्फ ना आपसे कुछ कह रही है वो आपसे कनेक्ट होना चाहती है हम्म आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि इन पंद्रह दिनों में ना आप अपने लाइफ परपज़ से कनेक्ट हों आप अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट हों आप जो अपनी लाइफ में चाहते हो ना उस तरफ आगे बढ़ें मतलब कहने का कि आप अपनी आप अंदर की क्रिएटिविटी को दिखाएं। चाहे आप अपनी डे टू डे रूटीन आप कर रहे हैं घर में कुछ काम कर रहे हो ऑफिस में कुछ कर रहे हो कुछ क्रिएटिव करने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है उससे कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है एक्जैक्टली exactly आपकी हायर सेल्फ यहाँ पर इस समय प्रेजेंट है ठीक है तो वो आपको कह रही है कि अपनी क्रिएटिव साइड को जो आप इतने क्रिएटिव होना अंदर से उसको ओपन कीजिए और अपने कॉन्फिडेंस को आ, आने दीजिए अपनी क्रिएटिव साइड को लेकर के और आगे बढ़ते रहिए ठीक है थीके? मैंने बोला ना कि इन पंद्रह दिनों में जो भी आइडियाज़ आपको आ रहे हैं जो भी आप करना चाह रहे हो उस तरफ आगे बढ़िए ओके और यहाँ पर मैं बहुत ही ब्यूटीफुल रिजल्ट्स आपके उस चीज़ को लेकर के देख रही हूँ और स्पिरिचुअली भी यहाँ पर मुझे आप अपने पर बहुत काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं सेल्फ लव सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा है अपने ऊपर फोकस करना अपनी बॉडी को एक, एक टेम्पल मानना ठीक है उसकी पूजा करना उस पर फोकस करना अपने बॉडी का अपना ख्याल रखना केयर करना मे भी यहाँ पर जो आपको गाइडेंस मिल रही है आप उसको फॉलो कर रहे हो दैट इज़ वाई ये चीज़ें हो रही हैं ये सब चीज़ें स्पिरिचुअलिटी में आती हैं राइट right? तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में भी नहीं हो आपको लग रहा है कि नहीं है लेकिन यस ये, ये सब काम आप कर रहे हो और यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ भी वो चाह रही है कि आप इन पर आगे बढ़िए ये काम कीजिए अगर आप इस ये काम करते हो तो आप अपने कॉन्फिडेंस में वो चेंज देखोगे आपका कॉन्फिडेंस तो डेवलप होगा ही होगा आपको वो जो एक होता है ना कि पब्लिक आई में आना ठीक है लोग भी आपको जो है देखेंगे वो भी आपके अंदर उस चेंज को देख पाएंगे ठीक है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ट्स मुझे यहाँ पर वो एनर्जीज मिल रही है तो जो आपके मन में आ रहा है ना उस तरफ आगे बढ़िए अगर आपको कुछ अपना ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है अपने आप को हेयर कट लेने की ज़रूरत है कुछ न्यू ड्रेसेस ऐड करने की ज़रूरत है कुछ भी कुछ भी ठीक है आ, को, आ, मतलब स्पा में जाने की ज़रूरत है मतलब कुछ भी जो आप अपने साथ अपने अपने लिए टाइम बिताना चाहते हैं अपनी केयर करना चाहते हैं जिस भी वे में वो कीजिए ठीक है चाहे वो यही सब चीज़ें हो चाहे वो सिंपल मेडिटेशन हो चाहे वो नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना हो चाहे वो अपनी क्रिएटिव साइट से कनेक्ट करना हो चाहे वो आपकी डांसिंग है सिंगिंग है कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो ठीक है या कुकिंग है कोई आ, प, आ, कुछ भी करना हो माई डियर उससे कनेक्ट होने की जरूरत है एक्चुअल में वो एक्चुअल में आपके लिए वो पूजा है वो पाठ है ठीक है तो उससे कनेक्ट हुई है और आप हो भी रहे हैं और आपकी हायर सेल चाह भी रही है ठीक है तो ये जो पंद्रह दिन है ना एरीज आपके लिए जो गाइडेंस है विद द टेन ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड स्ट्रेंथ मून एंड नाइन ऑफ कप्स आपके लिए यहाँ पर यही गाइडेंस है कि अगर आप अपने विशेष को फुलफ़िल करना चाहते हो चाहे वो किसी भी एरिया के रिगार्डिंग है जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो वो हैप्पीनेस चाहते हो वो पीस चाहते हो ये जो मैं कुछ बातें आपको बोल रही हूँ ना उन पर फोकस कीजिएगा उनको अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा बल्कि इसे एक मंत्रा बना करके अपने साथ चिपका लीजिए ठीक है, है पहली ये कि आपको किसी से भी किसी से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है चाहे वो आपके घर वाले हैं चाहे वो आपके कलीग्स हैं चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं चाहे वो आपके रिलेटिव्स हैं चाहे वो कोई भी है चाहे वो आपके स्पाउस ही क्यों नहीं हों ठीक है आपको किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी है एक्सपेक्टेशंस किसके साथ लगाएं अपने से लगाएं अपने से ठीक है कि मुझे अपने से ये मैं अप खुद से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं ये कर पाऊंगा और ये मैं अचीव करूँगा ही करूँगा बस अपने ऊपर विश्वास करना सेल्फ़ लव सेल्फ केयर जो आपका फोकस पॉइंट यहाँ पर आ भी रहा है बस अपने ऊपर यहाँ पर फोकस कीजिए अपने पर काम कीजिए और चीज़ों को ये जो भी कुछ डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड भी आपका इस समय आ रहा है ना उसे भी आप बहुत ही ब्यूटीफुली डील कर लोगे और फॉर श्योर sure आप एक उस मुकाम पर पहुँचोगे कि आपके अपने ना आपको इस नज़र से देखेंगे कि यस ये इंसान हमारा है ये पर्सन हमारा है आपको लेकर के एक वो होता है ना कि प्राउड एनर्जीज़ में आना कि ये पर्सन हमारा है ये बेटा हमारा है ये बेटी हमारी है ये ये मेरा हस्बैंड है ये मेरी वाइफ है एक वैसी काइंड ऑफ़ एनर्जीज और वो खुशी आपके अंदर आपको ख़ुद को देखने को मिलेगी लेकिन आपको इस वक्त बोला जा रहा है कि दूसरों से एक्सपेक्टेशन पहली बात तो आपको नहीं लगानी है खासकर कर यहाँ पर मुझे फैमिली का नजर आ रहा है ठीक है फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको इस पंद्रह दिनों में नहीं मिलेगा माय डियर ठीक है अभी वो स्पाउस हैं आपके आपके मदर फादर हैं आपके इवन चिल्ड्रेंस ही क्यों ना वो सपोर्ट इतना मुझे मिसिंग नज़र आ रहा है राइट नाउ ठीक है इन पंद्रह दिनों में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा और इस वक्त में बस थोड़ा सा ना उन्हें छोड़ दीजिए यहाँ पर किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट नहीं होने देनी है हो भी रही हैं तो भी उस पर ज़्यादा काम मतलब उस पर फोकस मत करो मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि फोकस नहीं करना है क्योंकि फोकस जब हम उन पर करने लग जाते हैं तो होता क्या है लड़ाई होती है चीजें बढ़ जाती हैं तो वो काम आपको नहीं करना है ठीक है लेट्स से आपको एंजल्स uh, आपको क्या बोलना चाह रहे हैं इन पंद्रह दिनों के लिए आपके लिए क्या मैसेज है थैंक यू एंजल्स प्लीज एरीज मेष राशि वालों के लिए मैसेज दीजिए क्या आप कहना चाहते हैं एरीज मेष राशि वालों को थैंक यू ओके ये कार्ड आना चाहता है और ये आना चाहता है ओके फॉर ऑफ एरियल अपने हार्ट को ओपन कीजिए अपने हार्ट चक्र पर वर्क कीजिए हीलिंग कीजिए अपनी एरीज ठीक है हीलिंग कीजिए अपनी <laughs> थैंक यू भोले बाबा थैंक यू सो मच क्या आ रहा है एरिएस के लिए किस पर काम करने की जरूरत है क्या गाइडेंस है ए रिस के लिए प्लीज गाइड कीजिए इन पंद्रह दिनों के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू फाउंडेशन एंड अचीवमेंट फोन नंबर जैसे कि मैंने बोला कि मुझे यहाँ पर ना मैरिज की वाइब्स भी आ रही हैं कुछ लोगों का रिश्ता पक्का हो सकता है कुछ ना कुछ यहाँ पर है क्योंकि अंत बिना यहाँ पर नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी से कि कुछ ना कुछ कोई आपकी विश है जो यहाँ पर फुलफिल हो सकती है लेकिन अगेन जो मैंने बोला कि आपको ये काम करने की ज़रूरत है एक्चुअल में आपको ये क्यों बोला गया है एरीज ये बोला ही इसलिए गया है कि चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं लेकिन ये जो एक मून फेस चल रहा है ना आपके लाइफ में इन पंद्रह दिनों में अगर आप इन्हें इनमें स्टक होकर रह गए देखिए ये आ तो रहा है फेज़ लेकिन अगर आपने अपने आप को इन्हीं में कन्फ्यूज़ कर दिया तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप उस पर काम नहीं कर पाओगे ठीक है उस तरफ आगे नहीं पढ़ पाओगे तो वो मैनिफेस्टेशन जो है वो क्या होती है रुक जाती है ब्लॉक हो जाती है या डिले हो जाती है तो इसलिए आपको उस पर काम कर, उस पर ध्यान नहीं देना है ज्यादा ठीक है हाँ rejoice इन सेलिब्रेशन एंड इन, इन ट्यूशन okay, ओके एग्जैक्टली जो मैंने बोला अभी फिर पता है कुछ लोग बोलेंगे कि आप सेम सेम बात बोलते हो बार बार ओके थ्री ऑफ प्रफाइल अगेन थ्री ऑफ कप्स की एनर्जीज देख लीजिए ठीक है एंड नाइन ऑफ माइकल एग्जैक्टली जो मैंने बोला है आपको वही आपको डिवाइन बता रहे हैं कि पहली बात ओवर थिंकिंग नहीं करनी है किसी भी तरह की अननेसेसरी वरीज में आपको नहीं जाना है ठीक है अपने थॉट्स पर फोकस कीजिए इस समय अवेयरनेस के एनर्जीज में रहिए कि इस समय आपके माइंड में किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं आप क्या चाहते हो क्या उस तरह आपका फोकस है या आप फिजूल की चीज़ों में फँसते हुए जा रहे हो फिजूल की बातें सोचते हुए जा रहे हो यह आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और किसी भी तरह का कोई भी अगर आपके अंदर गिल्ट है या फिर कोई भी दुख दर्द है कोई भी टेंशन है कोई भी वरी है उसे रिलीज़ कर दीजिए उस तरह की फीलिंग्स को रिलीज़ करने का वक्त आ गया है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द नाइन ऑफ माइकल जो कि है नाइन ऑफ सोट्स की एनर्जीज़ कि किसी तरह की ओवरथिंकिंग नहीं करनी है आपका आ, जो सिचुएशन है इतना वर्स नहीं है जो मैं देख रही हूँ चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली मैनिफेस्ट हो रही हैं लेकिन चीज़ें वर्स नहीं है लेकिन आप सोच सोच कर सोच सोच कर सोच सोच कर उस स्थिति को और बिगाड़ सकते हो जो कि मैं एग्जैक्टली exactly आपको बता ही रही हूँ तो यहाँ पर अपने मन का थोड़ा ध्यान रखिएगा ठीक है ये एनर्जीज दूसरों को सेंस करने के लिए ठीक है लेकिन अगर आप ओवर में बहुत ज़्यादा जा रहे हो तो ये एनर्जीज अच्छी नहीं होंगी तो इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखिए इस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि जब अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में भी चले जाते हैं तो हम अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं ठीक है हमारी इंट्यूशन पावर्स भी वीक हो जाती हैं हम उस पर फोकस ही नहीं कर पाते ट्रस्ट ही नहीं कर पाते समझ में नहीं आता हमारी इंट्यूशन हमें बता रही है हमारे थॉट्स जो इतने चल रहे हैं वो बता रहे हैं तो इस वक्त हो सकता है कि आपको किसी एक तरफ़ डिसीज़न बनाना हो किसी एक पाथ पर चलना हो या आपके पास टू चॉइसेस हो या आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अवेयर रहिएगा अपने थाट्स को लेकर के मेडिटेशन आपके लिए बहुत अच्छी है इंट्यूशन आपकी इस वक्त बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल ट्रू है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर डिसीजनस लीजिए इवन मैं कहूंगी कि आप ये फील भी कर पा रहे होंगे अगर आपके साथ वो सिचुएशन होगी कि ये बहुत ज्यादा वर्स्ट नहीं है ठीक है लेकिन वो क्या होता है ना कि बाहर के लोग जो आपका आउटसाइड जो आ, बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं लोग वो बहुत ज्यादा वर्स्ट बना देते हैं चीजों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं तो लोगों की ज्यादा नहीं सुननी है अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इन रिजॉय इन सेलिब्रेशन और यहाँ पर भी थ्री ऑफ रफाइल की एनर्जीज है तो ये यहाँ पर भी कम्युनिटी का ही कार्ड है आपके लिए देख रहे हैं आप तो मैं बोल रही हूं ना कि ये वक्त आपको सेलिब्रेट करने का मौका मिलेगा कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है इन पंद्रह दिनों में जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे जिस जिसको लेकर के आप खुश होंगे चाहे वो कोई अचीवमेंट है चाहे वो किसी की बर्थडे पार्टी है चाहे वो कोई भी चीज़ है कोई छोटी मोटी गेट टुगेदर ही क्यों नहीं हो कहने का मतलब पूरी तरीके से इन्जॉय कीजिए ओके पूरी तरीके से और इन ये छोटी मोटी एनर्जीज़ में ना इस एनर्जीज़ को खोने मत दीजिए इन खुशियों को खोने मत दीजिए क्योंकि यहाँ आपको मौके मिल रहे हैं खुश होने के सेलिब्रेट करने के अगर आप इन एनर्जीज़ में इन करोगे तो वो चीज़ें उस तरीके से मैनिफेस्ट नहीं हो पाएंगी और एक बात और कहना चाहती हूँ जो लोग यहाँ पर अपनी मैरिड uh, लाइफ भी जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं मैंने आपको बोला न कि ये जो पंद्रह दिन हैं ऐसे रहेंगे लेकिन ये जो मंथ है जाते जाते आपकी चीज़ें हील होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप बेटर होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ठीक है बच्चों को लेकर के अगर कुछ चिंता थी तो वो भी ठीक होगी वो सिचुएशन से भी आप बाहर आओगे उस चिंता से भी आप बाहर आओगे और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे दिखाई दे रही है खास कर ये नवम्बर लास्ट में ओके यस कोई ना कोई गुड न्यूज़ कोई मैरिज कोई एंगेजमेंट आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हो कुछ ना कुछ तो है ये छोटी मोटी पार्टीज़ वगैरह ज्वाइन करना कुछ सेलिब्रेट करना यहाँ पर एनर्जीज मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल मिल रही है ठीक है क्योंकि यहाँ पर भी फाउंडेशन का ही कार्ड है और कंप्लीजन का भी कार्ड है ठीक है तो थोड़ा सा अप एंड डाउन है नो वरीज ठीक है बहुत बड़ी चीज़ नहीं है मैं पहले ही बता रही हूँ आपको तो खुश रहिए हैप्पी रहिए है, अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट कीजिए पॉजिटिव एफ्रीमेशन दीजिए अपने पर काम कीजिए ओके okay, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए तो यस माय डियर ये थी आपकी रीडिंग इन पंद्रह दिनों की होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हो आपको यहाँ से गाइडेंस मिली हो मिली है तो प्लीज़ एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर कीजिएगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि अगर किसी के लिए गाइडेंस है इसमें तो वो तक पहुंच सके और वाकई में अगर आपको यहाँ से मैसेजेस मिले हैं गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा उनके प्रति थैंकफुल ज़रूर रहिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गॉड ब्लेस यू ऑल बाय